तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा फार्म जो है मैंने वो कैसा डेकोरेट करा है। तो अब मैं आपको, तो गाइस आज मैं बनाऊंगा एक ऑटोमेटिक विलेजर ब्रीडर। तो हम आने वाले एपिसोड में बहुत ज़्यादा जाइंट बिल्ड करने वाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फार्म्स ऐसे ऑटोमेटिक जिनमें विलेजर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आयरन फार्म, तो उसमें तो 20 विलेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें उसके लिए बहुत सारे विलेजर्स चाहिएंगे। तो उसी के लिए मैं बनाने वाला हूँ आज एक विलेजर ब्रीडर। तो वो ऑटोमेटिक होने वाला है, बस हमें एक बटन क्लिक करना है, वो अपने आप ही ब्रीड होते रहेंगे और फिर जब हम चाहे माइन कार्ट के थ्रू उसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं विलेजर को। तो अभी सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने पिछले एपिसोड में ये ऑटोमेटिक चिकन फार्म बनाया था, तो ये तो बहुत सही वर्क कर रहा है। अभी इसमें बहुत सारे बेबी चिकन्स भी है और इसके अंदर दो अभी कुक चिकन आए हैं और मेरा फूड भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है, खाली एक पॉर्क चॉप बचा है अभी और एक पॉर्क चॉप मुझे यहाँ पे ऐसे घूमता हुआ भी दिख रहा है। तो अभी मैं इसको नहीं मारने वाला, अब हमारे पास ऑटोमेटिक फार्म है पूरा, और अगर जब तक ये पूरा अभी इसकी चेस्ट में थोड़ा ज़्यादा नहीं आता तब तक मैं निकालूंगा नहीं, तब तक इन बेरीज से काम चला लेंगे हम। ये बेरीज भी बहुत दिनों से ऐसे उगी हुई है, मैंने तोड़ी नहीं। अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने सारा का सारा जो विलेजर ब्रीडर बनाने के लिए सामान है वो इसमें मैंने कलेक्ट करके रख लिया है। बस इस चीज़ इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है बेड्स। तो मेरे को 10 बेड्स चाहिए टोटल और अभी मेरे पास 2 ही है। तो अभी इस वाली बैरल में चेक करते हैं मेरे पास कितना वूल है। तो 17 वाइट वूल है मेरे पास और बाकी दो वो अलग अलग कलर के हैं, तो उनसे तो बेड नहीं बनने वाला। तो अभी मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि कितने बेड बनेंगे यहाँ से। तो अभी बन रहे हैं 5 बेड्स, तो टोटल हमारे पास अभी 7 बेड हो चुके हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि मैं वूल कलेक्ट करने की बजाय ना मैं सोच रहा हूँ कि विलेज से तोड़ लाते हैं, क्योंकि मैंने ना, मैं अभी आपको विलेज में चल के दिखाता हूँ मैंने क्या करा है। तो मैं सोच रहा हूँ और सारे में ना सारे विलेजर सोए हुए हैं और तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी वाले में चल के देखते हैं। और अभी ना मेरी शवल भी टूट चुकी है एरिया प्लेन कर करके, तो अभी मैं घर चल के ना सोच रहा हूँ मैं कि एक वो ही बना लूँगा सीधा डायमंड की शवल। और इसको भी तोड़ो यार, ये मकड़ी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को मारने आई है। तू आती रहे भाई, तेरा तो काम ही है यही करते रहोगे भाई तुम तो, मैं तो अपना काम करूँ। तो यहाँ पे ये जो दो बेड है ना ये खाली पड़े हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले तो यही तोड़ता हूँ मैं, यहाँ पे कोई नहीं सोया हुआ ना। और ये दो बेड तोड़ लिए मैंने और यहाँ पे एक बेड पे सोया हुआ है, एक बेड पे कोई नहीं सोया हुआ, तो ये भी तोड़ लेता हूँ मैं। अबे कौन किसको मार रहा है भाई, रुक जा मैं बचाने आ रहा हूँ भाई। भाई मेरे सामने विलेजर नहीं बनने चाहिए भाई। भाई मर गया भाई एक, तो हो गया काम तमाम एक का तो भाई, मतलब हमेशा कभी नहीं होएगी भाई ये। तो मैंने ये वाली जो जगह है ये सोची है और यही वो जगह है जहाँ पे मैंने ये प्लेन करा है, थोड़ा बहुत ही प्लेन करा है अभी ज़्यादा नहीं करा। तो मैंने ये वाली जगह जो है डिसाइड करी है, इसको मैंने ऐसे निशानी के लिए लगाया था। तो गाइस मैं वापस इसलिए आया हूँ घर पर क्योंकि ना मेरी शवल जो आयरन की थी वो टूट गई थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास 4 डायमंड तो है ही, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक डायमंड की शवल बना लेता हूँ सीधा, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा बहुत एरिया और मेरे को प्लेन करना है। तो स्टिक्स तो यहाँ पे है तो यहीं से मैं स्टिक ले लेता हूँ और यहाँ से यार वापस क्या रखूँ, लीड वापस रख देते हैं, लीड का भी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। और यहाँ से एक बना लेते हैं डायमंड की शवल, तो डायमंड की शवल भी मेरी एक बन चुकी है और अब मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और अब मैं वापस से चलता हूँ वहीं पर जहाँ पर मेरे को वो बनाना था। तो गाइज़ मैं इस तरफ वापस तो आ चुका हूँ, मेरे को ना ये थोड़ा बहुत एरिया और प्लान करना है कि मतलब बाद में मेरे को ना, मैं बाद का फ्यूचर का प्लान करके चल रहा हूँ कि मेरे को कौन सा फार्म कहाँ बनाना है, क्योंकि आयरन फार्म और भी बहुत फार्म है जिन जो वो भी ऐसे होते हैं कि वो बेड से दूर होने चाहिए। तो मैं उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि मेरे को कहाँ कौन सा फार्म बनाना है, तो इसीलिए मैं ऐसी जगह चुन रहा हूँ जहाँ पर कोई दिक्कत ना आए बाद में मेरे को। ओके सो गाइस ऑल सेट, अब मेरे को बनाना है फार्म। तो अब मेरे को फार्म बनाने के लिए क्या करना है ना, सबसे पहले मेरे को थोड़ा तो आगे आना पड़ेगा क्योंकि मेरे को पीछे और कुछ भी बनाना है। 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे एक आएगा 1 2 3 ऐसे। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ फार्म बनाना, तो यहाँ पे मेरे को रखना है 1 2 3 4, तो मेरे को 4 ग्लास कुछ इस तरीके से ऐसे प्लेस कर देने हैं। तो ग्लास लगाने के बाद मेरे को लेना है डिस्पेंसर, ये तो ड्रॉपर है तो मेरे को लेना है डिस्पेंसर, और फिर डिस्पेंसर लेके मुझे इसको प्लेस करना है यहाँ पे। तो गाइस डिस्पेंसर प्लेस करने के बाद और बटन लगाने के बाद मुझे लेनी है रेल्स, तो और मैं विलेजर्स भी रेल्स के थ्रू ही लाने वाला हूँ। पहले तो वहाँ से यहाँ तक तो मैं बोट के थ्रू ले आऊँगा, विलेज वहीं पर है मेरा, अभी रेंडर नहीं हो रहा वो रहा।
तो वहाँ से यहाँ तक तो मैं विलेजर्स को बोट में ले आऊँगा और फिर यहाँ से मैं रेल में बिठा के ऊपर चढ़ा दूंगा, क्योंकि एक यहाँ पे इनके लिए कैबिनेट बनेगा, वहाँ पे रहेंगे वो। तो मेरे को 3 रेल्स कुछ इस तरीके से प्लेस करनी है और फिर मेरे को डिस्पेंसर के ऊपर कुछ इस तरीके से ग्लास के लेवल तक ब्लॉक्स प्लेस कर देने हैं। तो गाइस फिर इस तरीके से मुझे ब्लॉक्स प्लेस करने के बाद ऐसे ट्रैपडोर लगा देने हैं, ऐसे 3 ऊपर तक, ऐसे मतलब 6 ट्रैपडोर यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे कुछ, और फिर मेरे को इन्हें ऐसे ओपन कर देना है। तो मुझे नहीं पता है ओपन हो रहा है बंद हो रहा है, बस हो रहा है, कुछ तो करना है इन्हें। और फिर मेरे को लेने हैं ब्लॉक्स जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, और फिर मेरे को इसको कुछ इस तरीके से कवर कर देना है, और इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे भी ट्रैपडोर लगाना है। तो मुझे ट्रैपडोर फिर से हाथ में लेना पड़ेगा, तो ट्रैपडोर मुझे ऐसे एक लगाना है, और यहाँ पे मुझे एक ऐसे वाटर बकेट प्लेस करनी है। वाटर बकेट मैंने क्यों प्लेस करी है ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, पूरा मैकेनिज्म समझा दूंगा फार्म का। तो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे ऐसे 2 ट्रैपडोर प्लेस कर देने हैं, 2 नहीं एक्चुअली यहाँ पे भी 3 ही करने थे, तो मुझे इसको एक बार खोलना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे प्लेस कर सकूँ। और फिर इतना हो जाए जब, तो मेरे को जो मैंने वहाँ पे प्लेस करना है ना, एक सेकेंड मेरे को यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे नहीं लगाना है, गलत लग रहा है। और फिर मेरे को जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि अब मेरे को काम ऊपर ही है। तो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, और फिर जो एक ट्रैपडोर बचेगा ना 10 में से, तो मेरे को वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाना है। तो जब इतना हो जाए फिर मेरे को यहाँ पे टेम्परेरी, अबे यार यहाँ पे नहीं यार, ऐसे लगा ही नहीं सकता मैं। तो मेरे को कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक ऐसे टेम्परेरी ब्लॉक लगाना है, और यहाँ पे आएगा हमारा पिस्टन। तो इस तरीके से हमारा पिस्टन आ जाएगा एक, और फिर जो है ना ये ऐसे कुछ कवर करना है इसे हमें। तो ये ऐसे कवर हो गया, और फिर मेरे को यहाँ पे एक ऐसे टेम्परेरी ब्लॉक और लगाने हैं, और यहाँ पे एक ग्लास यहाँ पे आएगा और एक ग्लास यहाँ पे आएगा, और फिर ये जो टेम्परेरी ब्लॉक्स मैंने लगाए हैं इनको मुझे तोड़ देना है। तो इतना फार्म हमारा बन के बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत थोड़ा सा काम बाकी है अब इसमें बस। और फिर ये जो मैंने टेम्परेरी ब्लॉक्स यहाँ पे भी लगाए थे इनको भी तोड़ देना है, और जो पिस्टन के नीचे ये जो ब्लॉक है ना, और फिर यहाँ पे मुझे बनाना है 5x4 का प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारे बेड्स आएंगे। हाँ तो ये बन गया, और मेरे को ये ब्लॉक्स नहीं लगाने थे, मैंने गलत लगा दिए, तो इनको मैं तोड़ देता हूँ और इसको भी। तो इतना हो गया है मेरा, और यहाँ पे मेरे को अब प्लेस करने हैं सारे के सारे बेड जितने भी मैं लाया हूँ, और रात भी होने वाली है। तो अभी सबसे पहले मैं ऐसे कुछ बेड प्लेस कर देता हूँ इधर, और मेरे को ना पहले नहीं करने थे शायद, क्योंकि फिर पता नहीं विलेजर कनेक्ट होंगे या नहीं, देख लेंगे। तो अभी मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरीके से बेड प्लेस कर देने हैं। तो ये 10 बेड हो चुके हैं, और एक बेड मेरा है, मैं जल्दी से सो जाता हूँ क्योंकि रात हो गई है। और वहाँ पे मैं अपने घर के पास काम कर रहा होता तो मेरे को सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग कम है, और यहाँ पे मॉब्स आके मुझे मारने लग जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे को परेशान करे, डरता तो मैं नहीं हूँ उनसे। तो इतना हो जाने के बाद मेरा ऑलमोस्ट फार्म पूरा का पूरा रेडी है, बस 2 काम रहेगा इसमें, एक तो विलेजर लाना है, और एक जो काम बचा है ना वो यहीं पे है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पहले। और जो लैडर लाया हूँ मैं, वो इतनी देर से पता नहीं क्यों नहीं लगा रहा था, मैं ब्लॉक्स लगा लगा के चढ़ रहा था। तो मेरे को यहाँ पे ही ये 5 लैडर्स यूँ ऐसे लगा देनी है, और यहाँ पे नहीं लगानी, इसको तोड़ो। तो इतना हो जाए तो मैं ना सोच रहा हूँ इसे भी कवर कर देते हैं, अगर ज़्यादा भी कर दूंगा तो कोई वो नहीं हो जाएगा कि ख़राब हो जाएगा फार्म, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मेरे को यहाँ पे ना कुछ तो जुगाड़ करना है, कि मेरे को यहाँ पे एक ना ड्रॉपर लगाना है, यहाँ पे मेरे को एक लगाना है ऐसे कुछ ड्रॉपर नीचे को फेस करते हुए। और मुझे पता नहीं अब मैं बाहर कैसे जाऊँ, यहीं से जाते हैं, एक सेकंड रुको। तो अब मैं बाहर निकल जाता हूँ यहाँ से सबसे पहले। तो मैं बाहर तो आ चुका हूँ, और यहाँ पे एक ट्रैपडोर वापस लगा देता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ। तो हमारा ऑलमोस्ट फार्म रेडी है। मेरे को यहाँ पे ना, यहाँ पे भी मैं कुछ तोड़ के आया हूँ क्या? नहीं। तो मेरे को एक लैडर जो बची है वो मेरे को ऐसे यहाँ पे और लगा देनी है, और फिर मेरे को चाहिएगा बटन और एक लीवर। तो जो बटन है वो तो है इस पिस्टन के लिए, ताकि अरे यार यहाँ पे नहीं लगाना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लगा भी दूंगा तो, पर मुझे साइड में ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है। और अब मेरे को जाना है यहाँ से ऊपर को, और ये जो टेम्परेरी ब्लॉक है इसे तोड़ देना है, और यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ एक ऐसे लीवर, अरे ऐसे। तो और इसके अंदर मुझे डाल देना है कि तब जो जो विलेजर फूड लेते हैं ना वो वाला फूड मुझे डाल देना है, और यहाँ से ही मैं नीचे चलता हूँ क्योंकि आपको पता है मैं कितना प्रो हूँ MLG में। तो और डिस्पेंसर में मुझे डाल देनी है माइंड कार्ड, तो अभी मैं 2 ही बना के लाया हूँ।
तो अभी दो ही डाल देते हैं। और तो हमारा पूरा का पूरा जो फार्म है वो पूरा रेडी हो चुका है, अब इसमें और कुछ भी नहीं बचा। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा ईजी फार्म है, विलेजर को बस ब्रीड कराना है। अब मेरे को वहाँ पे अंदर अब बस दो विलेजर ला कर डालने हैं। तो सबसे पहले मैं बोट ले आता हूँ। बोट का है मेरे पास है क्या? नहीं, मैंने सब कुछ रख दिया था ना। तो अब सबसे मुश्किल जो टास्क है वो आने वाला है। तो अब मेरे को जल्दी से विलेजर्स को अंदर डालने के लिए जुगाड़ करना है। तो अब ये वाला एक जो विलेजर है ना, इसको लेके चलते हैं सबसे पहले। तो इसको मैं बाहर बुलाता हूँ। और बाहर आओ, ए चप्पू बाहर आ, आ जा, बैठ गया। बहुत सही भाई, बहुत सही। तो अभी ये तो बैठ चुका है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला भी बैठ जाए यार। चल 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 चल, हाँ चलो, ये अंदर चला गया। मेरे को इसकी रेल तोड़नी है और मुझे पता है मैं रेल तोड़ने जाऊंगा और ये मर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये सब तोड़ देता हूँ यहाँ से। तो गाइस मैंने सब कुछ यहाँ से क्लियर तो कर दिया है और यहाँ पे मेरा फार्म पूरा डन है। बस मेरे को इनकी ये जो माइनकार्ट है ना ये तोड़नी है। तो मुझे ये ग्लास तोड़ना पड़ेगा माइनकार्ट तोड़ने के लिए। और फिर यहाँ, अबे अरे नहीं भाई, बच गया भाई, सब कुछ ख़त्म हो जाता अभी। और जो माइनकार्ट है वो मेरे को उठानी भी पड़ेगी। तो उठा लिया मैंने माइनकार्ट भी और यहाँ से बाहर निकलते हैं। और मेरा पूरा का पूरा जो जितना भी फार्म था वो पूरा रेडी है, बस इनको ब्रीड कराना है। तो मैं जैसे ही इन्हें फूड दूंगा ना तो ये ब्रीड करना भी शुरू हो जाएंगे। तो गाइस जो मेरा फार्म है ना वो रेडी है, बस एक लीवर लगाना है। और मैंने ना वो कैरेट और जो पोटैटो थे वो सारे के सारे इसके अंदर अपने आप ही चले गए थे। मैंने ड्रॉपर तोड़ा था एक बार, तो ये मैंने बहुत मुश्किल से लगाया यार, पिस्टन विस्टन का क्या क्या करके पता नहीं। और यहाँ पे मैंने एक स्टैक और पोटैटो ला के डाल दिया है। तो वो जो विलेज में है ना वहाँ पे फार्म था और मेरे घर के पे पोटैटो लगे हुए, तो वहाँ से मैंने एक स्टैक ला के टोटल करके डाल दिया। और जब मैंने इन्हें खाना दिया तो इन्होंने देखो ब्रीडिंग करी और यहाँ पे दो बेबी विलेजर भी आ गए। तो मैं आपको, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ दोबारा से। मैं इनको दोबारा फूड दूंगा ना तो ये अपने आप ही ब्रीडिंग करना चालू हो जाएंगे। तो मेरे को बस इनको ऐसे कुछ करके फूड देना है और ये फिर चालू हो जाएंगे, देखना अभी है ना। तो अब मेरे को ना इन्हें बस ले जाना है। तो ये वाला जो बटन है ये प्रेस करना है, यहाँ पे अपने आप एक माइनकार्ट आएगी और ये जो बेबी विलेजर है अपने आप इसके अंदर आके जो बैठ जाने वाला है। तो अभी मैं ना इसे और फूड दे के देखता हूँ, अभी तो ये शुरू नहीं हुआ है यार। जब मैं वो लगा रहा था ना डिस्पेंसर ये ड्रॉपर, तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी एक बार, तभी यार इन्होंने दो दो बेबी कर दिए। तो अबे यार ये मेरे पास ही क्यों आ रहा है ड्रॉप होके, मुझे इन्हें देना है। तो इन्हें मैं थोड़ा बहुत और दे देता हूँ पहले, जब तक चालू नहीं होंगे भाई देता रहूंगा मैं। चालू हो भाई, मेरे को चालू करो तुम अपने आप को। क्या बोला तूने? देखो गाइस, देखो 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 भाई, मैं देख ही नहीं रहा गाइस, मैं देख ही नहीं रहा। इन्हें दिख रहा है भाई, दिख रहा है, मैं देख ही नहीं रहा, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। तो तीन बेबी विलेजर यहाँ पे हो चुके हैं, बस मेरे को कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना भाई, बहुत इजी फार्म है ये। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? बस मेरे को ऊपर जाके इन्हें कुछ इस तरीके से यूं पोटैटो देना है। और एक बार इन्होंने ब्रीड कर दिया ना, वो एक बार नहीं करते, वो दो बार करते हैं फिर एक साथ। तो अभी एक साथ तो नहीं, थोड़ी देर बाद दोबारा कर देंगे ये। तो अभी मेरे को बस कभी भी मेरे को किसी भी ऑटोमेटिक फार्म के लिए विलेजर चाहिए ना, बस मेरे को यहाँ पे आके ये बटन दबाना है और इसमें माइनकार्ट होनी चाहिए। और फिर मेरा जो वो फार्म है ये रेडी हो चुका है पूरा का पूरा। और ये ग्लास क्यों तोड़ रहा हूँ मैं? तो अब मैं ना आपको इसको थोड़ा सा सजा के मिलता हूँ और फिर हम कर देंगे अपनी वीडियो का एंड। 2000 years later। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा फार्म जो है मैंने वो कैसा डेकोरेट करा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट करा है। और ये जो है ये डीप स्लेट की जो ब्रिक्स होती है वो है, और यहाँ पे थोड़े बहुत लैंटर्न लगा दिए। और ये जो है ऐसे बाहर इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो है माइनकार्ट विद रेल जाएगी। तो अभी यही थी आज की हमारी कुछ वीडियो। तो मेरे को तो बहुत सही लग रहा है ये फार्म और अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो अगली वीडियो से पक्का कोई ना कोई तो आयरन फार्म या फिर कोई और विलेजर वाला फार्म आएगा। तो मैं आपको ऐसा एक हिंट दे रहा हूँ। तो
चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि आगे वाले आने वाले एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा अमेजिंग और क्रेजी चीज़ें होने वाली है। तो आज का तो मेरा काम हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मेरे को आप कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली कोई सीरीज़ जो है माइनक्राफ्ट की, मैं कौन सी स्टार्ट करूँ या फिर कोई SMP बनाऊँ। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।